नमस्कार दोस्तों, दोस्तों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की फॉर्म कैसे भरनी है। आप सबसे पहले साइट ओपन कर लें। आपको उसके बाद फर्स्ट नेम डालनी है, आपका जो फर्स्ट नेम है। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है जो कि आपने आप यूज़ कर रहे हो। याद रहे ये ईमेल एड्रेस आपका सही होना चाहिए। सही से जो भी आप फॉर्म भर रहे हो सही से फॉर्म को फिल करें, कोई भी गलती ना करें, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आपकी आप भर देंगे आपको एक मेल जाएगा। तो इसलिए आप ईमेल आईडी जो है आपकी सही से डालें और अपनी ईमेल आईडी डालें, कोशिश करें दूसरे की नहीं डालें। अगर आप साइबर कैफे से भी कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, आप अपना ईमेल आईडी डालें, क्योंकि आपको जो भी आने वाले नोटिफिकेशन होगी वो आपके ईमेल आईडी पे आएगी। तो सही से ही आपका ईमेल आईडी भर देना। उसके बाद आपको फादर्स नेम देनी है। तो फादर्स नेम आपने जो अपना एडमिशन पंजीकृत कराते समय आपने जो दिया होगा वही डालना है। आपको श्री या मिस्टर नहीं लगाना है, आपको पूरा करेक्ट नाम लिखना है। उसके बाद मदर्स नेम देना है, जो मदर नेम आपने दे रखा है आपके वोटर आईडी कार्ड पे होगी, या आपकी जो माता जी का नाम है वो माता जी का नाम पूरा नाम देना है। याद रखें जो जहाँ भी आप नाम अगर भर रहे हो वो पूरा नाम भरनी है, तो सही से भरे। उसके बाद आप नेक्स्ट अगला जो देख रहे हैं, अगला आपको है रजिस्ट्रेशन नंबर का। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जब पंजीकृत किया होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे भरनी है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा वो देना है, और उसके बाद स्लैश देकर आपको यहाँ पे जिस साल आपने एडमिशन जिस साल लिया है, तो आपका एडमिशन साल है 2019, तो आपको 2019 के नहीं लिखना है, आपको लिखना है स्लैश सिर्फ 19 लिखना है। एक तो लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर, तो दो लास्ट 19 दे देंगे, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे, कोई भी गलती नहीं करें। उसके बाद आप जहाँ से आपका घर है वहाँ का आप एड्रेस भर दें, एड्रेस भी सही से भरे, पिन कोड जिला आपका जो एरिया है वो पूरा एरिया सही से दे, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करें। जो भी आप भरे सही से भरे, गलती ना करें। ये एड्रेस आपको फिल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। तो कोशिश करें आप अपना मोबाइल नंबर दें, जिससे अगर कोई मैसेज आपको यूनिवर्सिटी से आनी है तो आपको आएगी। तो इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर में जो आपको है +91 नहीं लिखना है, आपको लिखना है केवल 10 डिजिट का जो नंबर होता है, 10 संख्या का नंबर वो देना है। उसके बाद आपको भरना है आपका जन्मतिथि। तो जन्मतिथि कैसे भरना है, आपका मंथ डेट एंड ईयर ईयर फॉर्मेट, मतलब पहले आपको महीना देना है, डेट नहीं देना है, फिर आपको डेट देना है, और फिर आपको ईयर देना है। तो उसी तरह से आपको भर दे, या आप यहाँ पे पहले मंथ वाले पे क्लिक करेंगे तो मंथ में आपको सेलेक्ट करना है, या तो आप लिख सकते हैं, अगर आप सपोज कीजिए आपका 1 जनवरी 2001 है, तो आपको लिखना है 01/01/2001। तो पहले आपका महीना आएगा जनवरी महीना 01, उसके बाद आपका जन्म का तिथि आएगा जनवरी, अगर 5 है तो 05 लिखेंगे, और आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं या लिख भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें कि आप मेल या फीमेल हैं। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, जनरल ओबीसी क्या है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना फिजिकली चलें तो ऑब्वियसली आपको नो करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपका BCA कौन सा है, सेकेंड सेमेस्टर है, कौन से सिविल, वो आपको अगर BCA है, MBA है, MCA है वो सेलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज से वो करना है। उसके बाद आपको देना है क्लास का रोल, तो क्लास का रोल नंबर भी आपको मिला होगा, आपके कॉलेज में आपके क्लास का अलग एक रोल संख्या होगी, आपका क्रम संख्या होगा, वो क्रम संख्या आपको यहाँ पे देनी है। क्रम संख्या देने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड नेम, ये 4-5 ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है। तो आपको जो इच्छा है 4 ऑप्शन में से कोई भी सेलेक्ट कर ले, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है योर आंसर, आप योर आंसर वहाँ पे लिख दें, और याद रखिएगा जो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा उसका आपने आंसर क्या सही आंसर दिया है वो याद रखिए। उसके बाद आपको कैप्चर लिखनी है, 4+1 लिखा हुआ है,
तो 4+1 आपको देनी है, 4+1 पांच, पांच दे देनी है, ये चेंज होते रहेगा। और उसके बाद रजिस्टर पे करना, तो रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा और मैसेज आएगा कि प्लीज चेक योर मेल इनबॉक्स और स्पैम फॉर लॉग इन पासवर्ड। तो लॉग इन पासवर्ड आपके मेल में चला गया है, आपके मेल के इनबॉक्स या स्पैम को चेक करना है फोल्डर को। तो आप अपना, अब आपको ईमेल ओपन करना है, आप अपना ईमेल ओपन कर ले। आप अपना ईमेल ओपन करेंगे, ईमेल जैसे ओपन करेंगे, ईमेल ओपन करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी दे, पासवर्ड दे और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगर आप पहली बार, काफी दिनों के बाद या पहली बार आपने मेल सिस्टम पे ओपन कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट करने के बाद आपको अपडेट करने के लिए गूगल सलाह देती है। तो हमें अपडेट नहीं करना है, जस्ट सेलेक्ट करके कन्फर्म कर देना है। हम जैसे कन्फर्म करेंगे ये हमारा आगे मेल ओपन हो जाए। तो ये जीमेल आपका ओपन हुआ, हमने जीमेल आईडी दिया है तो हमारा जीमेल आईडी में मेल आया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मेल हमारा BRABU एडमिन के नाम से मेल इनबॉक्स में है, तो हमको अब इस ईमेल को ओपन करना है। इस ईमेल को डिलीट ना करें, रहने दें, किसी और दूसरे को फॉरवर्ड मत करें, पासवर्ड किसी और के साथ शेयर ना करें। अब अपना पासवर्ड आप खुद रखें। आपको क्या करनी है, ओपन कीजिए। इस मेल में आपको पासवर्ड दी होगी, तो आपको पासवर्ड लेना है। तो योर लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है, पासवर्ड कॉपी कर लें या कहीं लिख लें। लिखने के बाद फिर से आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन जो है, आपको स्टूडेंट लॉगिन पे आपका ईमेल एड्रेस पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा ओपन होगा, तो आपको क्लिक करनी है न्यू फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, पहली बार, तो पहली बार के लिए नया फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम नया फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इंतजार करेंगे, क्योंकि वेबसाइट हो सकती है स्लो होगी, क्योंकि एक साथ बहुत लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार कीजिए और इंतजार करने के बाद ही आपका वेबसाइट फिर से लोड होगा, मतलब आपका न्यू फॉर्म जो हमने क्लिक किया है, एक नया फॉर्म आएगा जिसमें हमें फॉर्म में कुछ और डिटेल्स अभी भरनी है। तो हमने अभी तक सिर्फ रजिस्टर किया, उसके बाद आपको फॉर्म भी भरनी है। सबसे मेन जरूरत है आपको फॉर्म भरना। अगर फॉर्म नहीं भरेंगे मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा आ रहा है आपको फिर से ट्राई अगेन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा फिर से इंतजार करना होगा, तो थोड़ा देर इंतजार कीजिए, ये साइट लोड हो जाएगी। और कोई भी गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें, आराम से फॉर्म को सही डिटेल के साथ आप फॉर्म को पूरा भर दो। और देखिए फिर से ऐसा आ गया, हम फिर से अभी ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे और इंतजार करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, आपको सही ईमेल आईडी देना है, सही फोन नंबर देना है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट सेमेस्टर है वो सही से देना है, कौन सा स्कीम है आपका, सेमेस्टर सिस्टम है या न्यू सेमेस्टर सिस्टम है, आपको वो सब सही से भरना है। अगर आपको जानकारी नहीं तो आप अपने कॉलेज के किसी भी अपने सर से पूछ लें और उसके बाद आप इसको फॉर्म को भरें। ये देखिए ओपन हो गया। अब हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि आप रेगुलर हैं, रेगुलर सेलेक्ट करना है। कोर्स और कॉलेज ये अपने आप भर के आए और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको भर के आएगा पहले से। अब हमें ये सब चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करनी है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सेमेस्टर। हम अगर आप दूसरे सेमेस्टर से हैं तो दूसरा सेमेस्टर को सेलेक्ट कर लें, अगर आप चौथे सेमेस्टर से हैं तो आप चौथे सेमेस्टर सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके फिर इंतजार करें। यहाँ आपको सबमिट नहीं करना है, याद रखिएगा, आपको अभी सबमिट नहीं करनी है, आपको इंतजार करनी है। आप जैसे दूसरा सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, आपको कुछ सेलेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएंगे, तो आप थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि ठीक उसी तरह से फिर से साइट थोड़ी स्लो हो रही है, क्योंकि हमने बहुत लोग अभी भर रहे होंगे, थोड़ा इंतजार करें। अब देखिए फिर से वैसा ही है, हम क्या करेंगे, ट्राई अगेन पे और रीसेंड करेंगे। तो फिर से थोड़ा देर इंतजार कीजिए, क्योंकि हमने रीसेंड किया है तो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो फिर से यूनिवर्सिटी के सर्वर पे जाएगी और वहाँ से रिक्वेस्ट फिर से रिस्पॉन्स आएगी, तो ये आपका इमिडिएटली साइट ओपन। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इंतजार करनी पड़ती है,
फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, जल्दबाजी ना करें। जो भी आप भर रहे हो देख, सही से भर रहे हो आप खुद एक बार देख लो भरने से पहले, सबमिट करने से पहले। और जैसे ही ओपन हो जाएगा आप देखिए, हमने सेलेक्ट किया था दूसरा सेमेस्टर और यहाँ पे हमने कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो इसलिए आपका कोई भी फॉर्म लिस्ट जब ओपन करेंगे कुछ नहीं। अब देखिए हमने दूसरा सेमेस्टर जो सेलेक्ट किया था, तो दूसरा सेमेस्टर में आपको जो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड आ गया 201 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इस तरीके से आपका सारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सारे सब्जेक्ट आपको आ जाएंगे। सारे सब्जेक्ट आने के बाद आपको क्या करना है कि ये आपको सेलेक्ट करना, कोई भी सब्जेक्ट छोड़े नहीं, सब पे टिक मार्क करनी है, याद रहे सबको टिक मार्क करनी है और ये एम्प्टी अलाउड नहीं है, ये आपको सारा सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन का रोल नंबर देना है, प्रीवियस सेमेस्टर मतलब पिछले साल, मतलब पिछला सेमेस्टर में, पहला सेमेस्टर में आपने जब लिखा एग्जाम, जो आपको एडमिट कार्ड मिली होगी वहाँ पे आपका एक रोल नंबर दिया हुआ है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, वो रोल नंबर आपको यहाँ एंट्री करनी है। याद रखिए क्लास का रोल नंबर नहीं चाहिए, आपको आपके पिछले सेमेस्टर का एग्जामिनेशन रोल नंबर डालनी है, परीक्षा का क्रम संख्या जो आपके एडमिट कार्ड पे होगी, आप उस चीज को देख लें और फिर सही से यहाँ पे भरें। अगर आप थोड़ा भी गलती करेंगे फिर आपको गलती हो जाएगी। आपको यहाँ नीचे ईमेल आईडी जो दिया हुआ है हेल्प डेस्क करके, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल करनी होगी और फिर समय थोड़ा लगेगा उसको सुधरवा। तो आपको क्या करना है, आपको सही से एग्जामिनेशन रोल नंबर सेलेक्ट करना है। याद रखिए सारा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है, पूरा एंट्री कर दे। तो देखिए हमने एंट्री कर दी है और सबमिट भी कर दिया। तो जैसे सबमिट करेंगे आपको आ जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड विद द फॉर्म आईडी, आपका एक फॉर्म आईडी होगा वो सबमिट होगा। अब हम फॉर्म लिस्ट पे हमें क्लिक करना है, जैसे ही सबमिट हो जाए उसके बाद फॉर्म लिस्ट पे हमें क्लिक करना है। तो ये सक्सेसफुल सबमिशन होने के बाद आपको फॉर्म लिस्ट पे ओपन करनी है। हम फॉर्म लिस्ट ओपन करेंगे, आप जैसे ही फॉर्म लिस्ट ओपन करेंगे आपको फॉर्म जो हमने अभी भरा है वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा फिर समय लगेगा क्योंकि थोड़ा लोड हो रही है वेबसाइट, पेज को आने में दिखने में आपको थोड़ा समय लगेगा। तो आप फॉर्म लिस्ट पे ओपन करके इंतजार करें। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, जो भी डिटेल्स है सब सही से करें। अगर ऐसा ऑप्शन आपका रहा है कनेक्शन टाइम आउट, आप ट्राई अगेन पे क्लिक कीजिए, आप ट्राई अगेन पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ी देर आपको समय देना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा और आपने जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म का डिटेल्स आपको दिखाएगा। तो अभी तक हमने सबमिट किया है, सबमिट करने के बाद हमें फॉर्म डाउनलोड करनी है और प्रिंट आउट लेनी है। तो आप ध्यान रखें इस चीज को छोड़े नहीं, आप पूरा इस चीज को कर ले जिससे आपको सही से फॉर्म भरा जाए। तो इंतजार करेंगे थोड़ा और, तो थोड़ा सा समय लगेगा इसके लिए क्योंकि बहुत सभी लोग पूरे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्रा कोशिश कर रहे होंगे भरने के लिए। देखिए ये ओपन हो गया। अब जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होगा यहाँ पे राइट साइड में दाहिने साइड में आपको व्यू दिख रहा है, आपको क्लिक करना है व्यू पे। जैसे आप व्यू करेंगे आपको थोड़ा देर फिर रुकना होगा, यहाँ पे एक और नया पेज ओपन है, हमको क्लिक करना है व्यू पे। व्यू पे क्लिक करके फिर से इंतजार करें। तो जैसे हमारा ये ओपन हो जाएगा आप देख लीजिएगा, ओपन होने के बाद ये हमारा सारा डिटेल्स भरा हुआ यहाँ पे आएगा। तो इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको दोस्तों बार बार बता रहा हूँ आप कुछ भी सही से करें। ये देखिए हमारा फॉर्म भरा हुआ रहा है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है डाउनलोड फॉर्म के लिए। तो ये सारा डिटेल्स भरा हम लोग भर चुके हैं और कहीं भी आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं है, हम क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर्म। उसके बाद देखिए ये आपका नया पेज ओपन हो रहा है। तो आप इंतजार कीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर है प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने ये हाइड कर लिया है ये डिटेल्स के लिए,
आपका ये फॉर्म आएगा, आपको यहाँ पे फोटो भी चिपकानी होगी। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन है, और ऐसे करके डाउनलोड कर ले और आप फॉर्म को रख ले। वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर ले, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए फॉर्म डाउनलोड हो चुकी है, धन्यवाद दोस्तों।